चैनल विच सेज गेट क्वार्की विद मी। सो आज नवरात्र का पहला दिन है, उसके लिए जय माता दी टू एवरीवन। मे माता रानी ब्लेस यू ऑल, और आप सबके स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा फिट रखें। और दिस इज़ द पार्ट टू वीडियो। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखा करिए, और आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना प्लीज़ मत भूला करो। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरी वीडियो पसंद की या नहीं। तो यह पार्ट टू अब देखना शुरू करिए और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए। आप सुथरा क्लीन बहुत अच्छा लगता है पापा। हिली एरिया देखो, जैसे लग रहा है शिमला में आ गए। तो ये है मल्हार स्मृति, और मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये देवास में है। खुलने का टाइम और बंद होने का टाइम आप देख लो। देख भाई, थूकना मना है, तो मैंने भाभी को पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे नहीं थूकना। हम वहाँ पे आपको बोर्ड दिखा रहे थे, अब हम इधर से आ चुके हैं। सो हियर वी एंटर्ड एंड देयर आर सो मेनी स्विंग्स यू कैन सी। भाभी भाभी भाभी, हाँ शायद से रात साफ होता तो मैं आपको सिखाती कि आप कैसे स्विंग करें। मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पाती है, जब चीज़ें चलती है तो मेंटेन हो पाती है। जैसे आप अपने घर से एग्जांपल ले सकते हैं, जब घर बंद होता है तो गंदा ही हो जाता है, नो मैटर आप कितना साफ करके गए हो। अगर आज हमें सीसॉ मिला तो मैं और भाभी आपको सीसॉ पे झूल के बताएंगे कि कैसे सीसॉ पे झूलते हैं। एंड है लुक एट हर। तो ये, अभी उमंग ने दिखाया कि वो जो सबसे बड़ा वाला उधर कुछ चढ़ने वढ़ने टाइप्स में है, वहाँ पे उमंग और भाई खुद चढ़ते थे। तो अकॉर्डिंग टू उमंग एक पुराना झूला यही है, बाकी सब नया है। और बाकी झूले आप जितने देख रहे हैं ये सब नए लगे हैं यहाँ पे। पॉकेट्स फॉर देयर प्ले। डेस्परेटली ढूंढ रही हूँ सीसॉ, अगर सारे झूले हैं तो सीसॉ भी होगा। भाई सीसॉ है क्या, किधर है? अभी आप बोले ना किधर है, हम किधर? आसमान की ऊंचाइयों में। लैंड करा दो भैया, 500 ले लो। उमंग को भाभी से मोटिवेशन मिलते हुए चढ़ तो गए हैं, लेकिन अब उतरने का सोच रहे हैं। मुझे ऊंचे ऊंचे झूलों से बहुत डर लगता है, शायद इस वजह से मैं छोटी रह गई। शायद मेरी हाइट बढ़ जाती तो मुझे अपनी हाइट से डर लगता। नीचे नहीं होगा, दूसरी साइड। वो देखो डाइटिंग वाली बच्ची नीचे जा ही नहीं रही थी, ये बच्चा पर्पसली नीचे कर रहा है भाभी को, अदरवाइज वो नहीं जा रही है नीचे। देखो तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे ही बैलेंस करनी पड़ेगी। हाँ। मोटू है ना। हाँ, अब तुम प्रेशर डालो। देख के ना। अब आप हल्की। तो अभी हमने बहुत एंजॉय किया, सीसॉ ट्राई किया। मना है उस पे बैठना। क्या मैं आप पे बैठ सकता हूँ? हिरण पर बैठने पे 500 रुपए जुर्माना है। उमंग उसको जिम बुलाता है तो उमंग की मजाक उड़ाता है। अच्छा अच्छा उमंग आएगा तो उमंग हमारे जिम में नहीं आएंगे, जहाँ हम जाते हैं उमंग अपने इस जिम में आएंगे, हम आपको दिखाते हैं। उमंग इस जिम में आएंगे। अपार्ट फ्रॉम जोक, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आ सकता है, एंड इट्स नॉट दैट बैड। बहुत अच्छे से यहाँ पे कोई इंसान अगर एक्सरसाइज करना चाहे तो वो कर सकता है। वाह भाई झूला झूलते हुए फाइनली उनको भी रियलाइज हुआ कि वो भी हमारी तरह बच्चे हैं, मेरा बच्चा। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों देख सकते हैं।
तो ये और पापा अट्रैक्ट हो चुके हैं इस चीज से और पापा अब अंदर हॉल में जा चुके हैं। मैं और मम्मी बाहर आ गए हैं, पापा आ रहे हैं। पापा वॉज एंजॉइंग दिस कॉन्सर्ट अलॉट एंड ही गॉट वेरी हैप्पी। बट जैसे हमको अपनी जनरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पेरेंट्स डू लाइक देयर जनरेशन थिंग्स ऑल्सो, सो डू रिस्पेक्ट दैट थिंग। दो तीन मिनट में कुछ नहीं होता, अपने अपनी जनरेशन का क्रेज होता है तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। लीविंग दिस पार्क, जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, अगर उनको रोना आता है, उनको दर्द होता है, तो यहाँ पे मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। संगीत हो रहा है, सुनिए और डाइवर्ट कर लीजिए अपना माइंड इंजेक्शन से। ये आ गए हैं हम कुल्फी सेंटर पे, जहाँ पे हम आइसक्रीम खाने वाले हैं। यहाँ वैरायटी ऑफ आइसक्रीम मिलती है, वैरायटी ऑफ डेजर्ट, रसगुल्ले, श्रीखंड, रबड़ी, ये फालूदा है, अंगूर, बादाम कुल्फी, वैरायटी ऑफ कुल्फीज यू विल गेट हियर। सो दिस इज अ कंप्लीट स्टोर। सो दिस इज अ स्टोर, बेसिकली इन्होंने ठेले से शुरू किया था और आज इन्होंने एक ठेले से डायरेक्टली इन्होंने ये शॉप खरीदी थी, और ये शॉप तीन शॉप मिला के इन्होंने खरीदी थी, पूरा ये एक स्टोर बनाया। तो यू कैन सी द आउटकम ऑफ पेनेंस एंड हार्ड वर्क। और ये ठेले उस तरफ लगाते थे और यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने ये शॉप पूरी खरीदी। ये देवास की सबसे अच्छी मुकेश राठौर की दुकान है। आज के 22 साल पहले ये लोग बहुत छोटे से इन लोगों ने काम शुरू किया था। शहर में ठेलों पे कुल्फी के मटके रख के इनके यहाँ काम करने वाले लोग बेचते थे। इन भाइयों की कर्मठता के कारण इन्होंने ये बिल्डिंग अभी 6-7 साल पहले खरीदी। फलों का रस भी इनके यहाँ ताज़ा मिलता है। सबसे अच्छा आउटलेट है जहाँ बिल्कुल ताज़ा फलों का रस मिलता है। ये मुकेश जी के छोटे भाई हैं। द पर्सन हु वाज सिटिंग ऑन द काउंटर, शायद से छोटे भाई हैं। तो ये शॉप पूरा बहुत मेहनत की है इनके पापा ने, इनके बड़े भाई ने। एंड ही वाज सो कर्टियस, सो ग्राउंडेड कि वो सामने ही नहीं आ रहे थे बोलने के लिए। एंड अभी ही टोल्ड कि मैं तो सिर्फ 5-6 साल से कर रहा हूँ, बट ही गेव ऑल द क्रेडिट टू हिज बिग ब्रदर एंड हिज फादर। सो दैट वॉज वेरी क्यूट थिंग एंड पीपल शुड लर्न दिस थिंग कि आपका हार्डवर्क जो है वो टाइम लेता है, बट उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। यू कैन लर्न फ्रॉम दीज पीपल, पेशेंटली डू हार्ड वर्क एंड वेट फॉर योर मीठा फल। तो हम घर आ गए हैं, उसमें चॉकलेट वाला नहीं है। और व्हाट अ महिला शी इज़, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आखिरी का दूंगी, लोगी, मैंने बोला हाँ लूंगी, तो बाद में कहती अब नहीं दूंगी, इसमें है नहीं ना, लो खा लो। तब भी मैंने ले लिया है। हम घर आ गए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर दिया है प्लीज कीप शेयरिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, डू टेल दैट ऑल्सो। सो बाय।